सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। एक सेकेंड, ये देखो भाई, आराम से निकालना, टच ना हो, ठीक है। आगे लो गाड़ी, आगे करो, पीछे करो, बेहतरीन। हैवी ड्राइवर निकले भाई तुम तो हैं। तो आज थंबनेल में आपने देख लिया होगा, तो ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ, अभी हमारा प्लान बना रिसेंटली कि एक कैट लेनी है। अब कैट लेनी है, कौन सी लेनी है ये समझ में नहीं आया कि ठीक है जी भाई। हेलो जी भाई, बस 5 मिनट 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ भाई। बस बस पहुँच गए। ओके, तो पर्शियन लेनी है, कौन सी लेनी है ये कुछ नहीं था डिसाइड कि कौन सी कैट लेनी है। तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी और उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि जो कैट लेनी है वो लेनी है पर्शियन। और पर्शियन में भी बहुत सारी कैट की कैटेगरीज होती है, पर्शियन में भी कि आपको नॉर्मल फेस लेनी है, पर्शियन रहेगी बट नॉर्मल फेस। इसके बाद आपका डॉल फेस के बाद सेमी पंच आती है, सेमी पंच के बाद आती है पंच फेस जिसको बोलते हैं, एक्सट्रीम पंच जिसको बोलते हैं। वो बेसिकली क्या होती है कि मतलब अपना जो उसका फेस रहेगा बिल्कुल ऐसे फ्लैट रहेगा, बट वो मेरे को कुछ ज्यादा इतनी खास लगी नहीं। आई हैव डिसाइडेड टू के गो फॉर सेमी पंच, देखने में काफी ज्यादा क्यूट थी वो, लेने जा रहे हैं अभी फाइनल। और कुछ बेहद जरूरी चीजें थी उसमें जानने वाली कि क्या क्या उसकी अच्छी चीजें होनी चाहिए, क्या क्या उसकी खामियां होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद फाइनली आई एम गोइंग टू टेक माय डिसीजन। किन भाई को छोड़ूंगा वहाँ पे, जुबरान भाई को पिक करूँगा और फिर वो जाएंगे मेरे साथ आगे। जाना था हमें 12 बजे पहुँचना था, ठीक है, और 12 बजे से अभी टाइम हो गया एक, और टाइम दिखा रहा है इसके अंदर अभी भी ये 18 मिनट 12 सेकेंड, तो मतलब ऑलमोस्ट लेट हो गया मैं, 47 मिनट लेट हूँ। जुबरान भाई का वेट कर रहा हूँ मैं आगे हूँ उनकी लोकेशन पर, आगे हूँ मैं, ऑल सेट। मैं आपको मिलवा देता हूँ जो शख्स है मिस्टर जुबरान। तो अभी इनसे मिलना है मेरे को और इनके साथ जाना है। जुबरान भाई कैसे हो? बस बढ़िया, बताओ सब सेट? बढ़िया भाई, चलें? बस चलें। तो इंतजार का अलग मजा है। नहीं, इंतजार का अलग मजा है, लेकिन बात यह है ना कि उनको जाना होगा काम पर। अच्छा, चलिए, माजरत मांग लूँ। तो ये हैं जुबरान खान। तो जुबरान जी ने ही मेरे को डिसाइड किया था, डिसाइड करके बताया था कि पोर्शन में कौन सी ब्रीड लेनी है। मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज देनी, इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इनके पास ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा शौक रखते हैं इन चीज़ों का। तो जुबरान भाई बताओ, डिसीजन के सही है गलत है? बाकी देखिए, फोटो देखें, वीडियो देखें, जो हम लेने जा रहे हैं अभी तक हमने उसको फिजिकली नहीं देखा है, फिजिकली अब हम जाके देखेंगे उसको। डिपेंड करता है लक पे, क्योंकि जो ब्रीड हमें पसंद आई है वो ठीक है ब्रीड, बट बाकी जो है फिजिकली देखने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि जो हम चाह रहे थे वही है वो या अलग है। अब देखते हैं, वो तो वहाँ जाके पता लगेगा कि प्यारी है वो, क्या कैसी है, बट ऑलमोस्ट यार पैट्स का क्या प्यारा क्या है, वो तो क्यूट ही लगते हैं सारे के सारे। वो आ चुका है मेरे पास, कितना देखने में कितना प्यारा है। अभी हरामी है थोड़ा सा, अभी नाम रखेंगे इसका, अभी जाके। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। तो अभी नामकरण करेंगे इसका। चुपका रहा है, कहाँ छुप जा रहे हो भाई, कहाँ छुपे जा रहे हो? तो ये आ गए फाइनली जिसकी तलाश थी, और तलाश जिसकी थी वो मिल चुके हैं। अब इसको ले जाएंगे, पहले पहला काम क्या है, अब इसका नाम क्या रखना है? सिम्बा रख दे। सिम्बा सही है, सिम्बा सही है। नहीं, अभी नाम इसका देखेंगे कि नाम क्या रखना है, लेकिन अभी फिलहाल नाम के लिए कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं। अभी ये खुद बड़ा हो गया अपना नाम रख लेगा, ठीक है।
और बाकी जो है एक बार अभी इसको पैट शॉप पे लेके चल रहे हैं और अभी इसको क्या खिलाना है, क्या इसके साथ प्रिकॉशंस लेनी है, वो सारी चीज़ डिस्कस करते हैं उसके पास जाके। कितना प्यारा यार, जो मन कर रहा है पर अभी क्या बेटा ऐसे क्या देख रहे हो, सेक्सी लड़का नहीं देखा कभी, दिखाइए उधर। घबराहट हो रही है प्यास, अरे यार पानी भी नहीं, पानी की बॉटल भी नहीं लेके आना, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। हाँ मैं डर लग रहा है, रात भी जब ये आया ना भाई इसके ऐसे ही था ऐसे करके परेशान हो रहा है बेटा, शक्ल देख के मत डर। हाँ चुपचाप, अच्छा ये अपने आप को छुपा रहा है भाई, पता उसने उस टाइम पे भी सीट के नीचे था ये बहुत उससे। अभी ये जो है बच्चा ले लिया है और इसके बाद ये मेल है, पर्शियन मेल है और सेमी पंच फेस है, और तो ये ले लिया अभी हमने और इसके बाद इसको लेके जा रहे हैं मैं अभी घर, और घर जाके इसको अभी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, थोड़ा सा चेकअप कराना है कि सब ठीक ठाक है इसके साथ या कुछ अभी ज़रूरत तो नहीं है किसी चीज़ की, अगर रहेगी तो बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ इसको कराएंगे या कोई मेडिसिन या ज़रूरत ना पड़े तो ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है। और इसके बाद देखिए पर्शियन कैट लेने में ना 4-5 चीज़ें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप जैसे पर्शियन कैट ले रहे हैं वो पर्शियन कैट कैसी है, किस तरह से दिखती है और कैसे चेक करेंगे वो, ट्रिपल कोट, हाँ ट्रिपल कोट है या डबल कोट है, तो आप सिंपली एक चीज़ चेक कर सकते हैं, जैसे हमारी फिंगर होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लेयर होती है हमारी फिंगर पे, अगर आपकी फिंगर्स में आप टच कर रहे हो इसको और आपकी फिंगर पे जो हेयर है वो लाइन जाती है फर्स्ट तक, तो वो सिंगल कोट है, पर्शियन है बट वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप फिर से हाथ लगाते हो और आपकी जो लेयर है वो जाती है सेकंड लाइन तक, इट मींस कि ये डबल कोट है, बट आप जब इसके फर पे हाथ लगाते हो और जो आपकी फिंगर है वो थर्ड लेयर तक जाती है तो इट मींस कैट है वो ट्रिपल कोट है। तो कहने का मतलब ये, अभी तो 45 दिन का भी नहीं हुआ है अभी है, और इसके जो बाल है, हेयर लेंथ है, वो मेरे 2 उंगलियों से ऊपर जा रही है, मतलब 2 फिंगर से ऊपर जा रही है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ट्रिपल कोट है, जो जैसा बता के दिया था भाई ने वो वैसा ही है। और इसकी दूसरी चीज़ टेल है, मतलब अगर इसने बच्चे की टेल अगर हैवी नहीं है तो इट मीन्स वो पर्शियन भी नहीं है, नॉर्मल कैट है, और उसमें टेल का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जितने बाल ज़्यादा होंगे टेल पर उतनी ज़्यादा अच्छी ब्रीड वो मानी जाती है। इसकी आंखों का जो कलर है वो हल्का सा येलो है, हल्का सा ग्रीन है ना, तो ये इससे भी पता लग जाता है कि ये पर्शियन कैट है। दूसरी चीज़ ये है कि 2 चीज़ें बताई गई हैं इसमें, अगर आपकी कैट खा रही है, अच्छा खा रही है जहाँ से आप ले रहे हो और वो वहाँ पे ठीक ठाक खा रही है उस टाइम पे, तो इसका मतलब वो बहुत हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, घर जाके भी वो खाएगी, लेकिन अगर वो वहाँ नहीं खा रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम है उसकी हेल्थ में। तो गाइज ये था आज का ब्लॉग, और अभी आपको अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।